बात करते हैं यूपी की, जहां सहारनपुर में एक बार फिर तनाव फैल गया है। बुधवार को सहारनपुर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष कमल वालिया के भाई सचिन वालिया की गोली लगने से मौत हुई, जिसके बाद से इलाके में तनाव फैल गया। पूरे इलाके में तनाव फैला। बुधवार को सहारनपुर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के भाई को गोली लगी थी और उसके बाद ये तनाव फैला। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम स्थल से थोड़ी दूर रामनगर इलाके में सचिन को ये गोली लगी। परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित नागर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। पुलकित, परिजनों का कहना है हत्या, लेकिन प्रशासन का क्या कहना है, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, हालांकि प्रशासन अभी ये कह रहा है कि ये जांच के बाद ही साफ होगा। उसकी वजह है, जो रास्ता आप मेरे साथ देख रहे हैं ये वही रास्ता है जो रामनगर को जोड़ता है। आगे आपको बहुत सारा पुलिस बल तैनात नजर आएगा। इसके अलावा महाराणा जयंती जो हो रही थी यहां से आधी किलोमीटर दूर थी और इस पूरे रास्ते पर इतनी ही पुलिस कल भी मौजूद थी। तो पुलिस का ये कहना है कि इतनी मौजूदगी में कोई कैसे गांव के अंदर जाकर किसी को अपना निशाना बना सकता है? तो ये तमाम जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी इस बात को लेकर मिली है कि पोस्टमार्टम हो चुका है कल। अभी तक परिजन नहीं चाहते थे कि मृतक का पोस्टमार्टम हो, लेकिन कल पुलिस की कोशिश के बाद पोस्टमार्टम हो चुका है। अब अंतिम संस्कार पर बातचीत चल रही है। अंतिम संस्कार के बाद सहारनपुर का माहौल शायद सुधर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहां